कक्षा पांचवी विषय हिंदी पृष्ठ क्रमांक पांच पाठ क्रमांक तीन योग्य चुनाव। बच्चों हम आज हिंदी का पाठ क्रमांक तीन पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम उसको पढ़ लेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनंती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर दीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। हरकरे गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राजदार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार में जाते समय वह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी हमने लेसन पाठ पढ़ा है, अभी हम उसको मैं आपको उसका स्पष्टीकरण दूंगी। राजा मंगल सिंह के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे, तो वो क्या होना चाहते थे? सेवा मुक्त होना चाहते थे। तो राजा ने मंगल सिंह राजा ने जगत राम से कहा, पहले आपके जैसे सेवा से ईमानदार सेवाभावी परोपकारी नवयुवक मंत्री चुनकर मुझे आप लाके दो। तो जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार हो जाएगा। गांव में सब लोगों को मालूम हुआ कि नए मंत्री का चयन होने वाला है। इस पद के इच्छुक 11 बजे राजदरबार में पहुंचे। इच्छुक लोगों को कितने बजे राजदरबार में बुलाया था राजा ने? 11 बजे। हरकरे गांव गांव में ढिंडोरा पिटने लगे। हरकरे गांव गांव में क्या पिटने लगे? ढिंडोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही युवकों की भीड़ लगी थी, क्योंकि मंत्री पद का चुनाव होने वाला था। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। सारे लोग रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक जगह जगत राम मंत्री का पहिया गाड़ी का पहिया क्या हो गया था? कीचड़ में फंस गया था। सब लोग उसे जाते आते देख रहे थे, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो कीचड़ में फंसे हुए पहियों को किसने निकाला था? कर्मवीर ने निकाला था। तो उम्मीदवारों में से राजदरबार के जाते समय यह दृश्य सबने देखा, लेकिन मंत्री जगत राम की सहायता किसने की थी? सहायता कर्मवीर ने की थी। तो अभी हम इस पाठ पे कुछ प्रश्न देखेंगे। राजा का नाम क्या था? बच्चों राजा का नाम मंगलसेन था। राजा के मंत्री का नाम क्या था? बच्चों राजा के पुराने मंत्री का नाम जगत राम था। नए मंत्री का चयन कौन से दिन होने वाला था? नए मंत्री का चयन गुरुवार को होने वाला था। बैलगाड़ी का पहिया कहाँ फंस गया था? बच्चों बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था। गांव गांव ढिंडोरा कौन पिटने लगे? गांव गांव ढिंडोरा हरकरे पिटने लगे। आज से कौन राज्य के नए मंत्री होंगे? आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। भागते दौड़ते कर्मवीर कहाँ पहुंचा? भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। बैलगाड़ी वाला वृद्ध राजा मंगल सिंह के पुराने मंत्री जगत राम थे। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर क्यों हंसने लगे थे? क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कर्मवीर के कपड़े कीचड़ से क्यों सने थे? क्योंकि उसने मंत्री जगत राम की बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की मदद की थी। जगत राम ने राजा से स्वयं को क्या करने की विनंती की? सेवा मुक्त करने की विनंती की थी। आज हमने योग्य चुनाव ये लेसन पढ़ा है। थैंक्स।